तो वेलकम टू पॉडकास्ट फॉर क्रिएटर्स। एंड आज के इस वीडियो में हमारे साथ है गोवे थटाके, जिनका यूट्यूब पे चैनल है विथ ओवर 1.9K सब्सक्राइबर्स। सो आज इस पॉडकास्ट में मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि चैनल का नाम गोवे थटाके क्यों रखा? लाइक आप तो एनिमेशन या स्केचिंग वर्क करते हो, तो गोवे थटाके रखने का क्या रीज़न था? इसकी काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है। गोहित नाम जो था ना, वो मैं ड्रैगन बॉल ज़ेनोवर्स गेम था ना, उसके अंदर मैंने एक करेक्टर का नाम रखा था गोहित। ये ऐसे करके मैंने रखा था कि गोकू और हिट का फ्यूजन। पर बाद में मुझे पता चला कि ये मेरा जो असली नाम है ना, उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मतलब बस एक अल्फाबेट चेंज करना है, समझ गए? अभी असली नाम मैं बताना चाहता नहीं हूँ। ओके तो, कोई बात नहीं। या ओके और हट हाँ हाँ या बोलो। हटाके मेरे को रखना था कोई नाम जो थोड़ा सा अलग हो, फिर हटाके सही लग रहा था। गोहित के हटाके थोड़ा राइम सा कर रहा था तो रख दिया, लेकिन लास्ट में जो आकाशी हटाके वाला उसमें ई है, मेरे वाले में आई है। ओके या एंड जब मैंने आपका चैनल चेकआउट किया, लाइक मैं यही करता हूँ कि पॉडकास्ट से पहले मैं लोगों का चैनल चेकआउट करता हूँ ताकि मैं उनसे उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकूँ। सो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लाइक आप यूट्यूब पे 2 साल से हो अप्रॉक्स, आपकी जो सबसे पुरानी वीडियो है वो अप्रॉक्स 2 साल पुरानी है। एंड अभी कुछ कुछ महीनों से ही आपने ये एनिमेशन और आर्ट वर्क शुरू किया है, तो उससे पहले अगर आपका कोई चैनल था तो उस पर आप क्या करते थे? इससे पहले जो चैनल था, मेरे ख्याल सबका ही होता ही है, एक बहुत पहले का चैनल जिसके ऊपर बहुत ही अजीब हरकतें की होती है। या आई एम मैं समझता हूँ क्या। मेरे एक चैनल है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है यूट्यूब पे, जेनिमिक्स करके, जिसके ऊपर मैंने कॉपी वीडियो डाली हुई है, मतलब दूसरों के चैनल के उठा के सीधा ट्रेलर और ये सब करके एनिमे के। एंड आपने एनिमेशन क्यों स्टार्ट किया? आपको किसी ने कहा शुरू करने को, या आपने किसी से इंस्पायर लिया, या आपका खुद ही मन था कि लाइक आपके अंदर से एक था कि मेरे को एनिमेशन शुरू करना है, इसलिए आपने एनिमेशन शुरू किया? एनिमेशन का क्या हुआ कि अभी लोगों जो चैनल है फॉरेन में भी, जो आर्ट के चैनल है, वो लगभग सारे डेड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट व्यूज नहीं आते जितने सब्सक्राइबर हैं। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे कि मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकूँ, पर्सनैलिटी बेस्ड चैनल बन सके मेरा। क्योंकि अगर मैं आर्ट वर्क डालूंगा, ट्यूटोरियल डालूंगा, तो लोग उसके लिए आएंगे, मेरे लिए नहीं आएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे कोई ऐसी मीडियम चाहिए था जिससे कि मैं खुद को एक्सप्रेस, फेस कैम में कर नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि एनिमेशन कर, जिसके अंदर मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा अपने आप को। तो आपने अभी बोला कि फेस कैम नहीं कर पाऊंगा, तो फेस कैम गेमिंग वो सब आपका लाइक इंटरेस्ट नहीं है करने में, या फिर आपको करना नहीं है एनिमेशन के अलावा कुछ कंटेंट रहे? फेस कैम तो अभी बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कमरा नॉर्मल सा है और सेटअप भी बिल्कुल कुछ तैयार नहीं है, ना कैमरा है ढंग का। वैसे मैं मोबाइल से भी कर सकता हूँ, कैमरे के तो इतना है नहीं इशू, लेकिन मैं थोड़ा आर्ट से रिलेटेड ही रखना चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा आर्ट के बारे में पता चले और मेरा एक एग्जिस्टेंस बन जाए आर्ट के अंदर। ना कि मतलब एकदम ही नहीं चाहता कि मेरे लिए ऐसा रहे कि मुझे देख रहे हैं और साथ में मेरी आर्ट भी दिख रही है, जो कि एनिमेशन बेस्ट तरीके से कर सकता है। एंड मैंने आपके चैनल में ये ऑब्जर्व किया कि आपके वीडियोस के बीच में ब्रेक बहुत रहता है, लाइक इनफैक्ट 1-2 महीने का ब्रेक तो इज़ नॉर्मल, ठीक है, हर चैनल लाइक ऑलमोस्ट हर एनिमेशन चैनल पे होता ही है। बट अभी आपकी लास्ट वीडियो से अभी तक आपने 5 मंथ्स का गैप ले लिया है, तो कोई रीज़न उसके पीछे, या कोई मतलब क्या कोई रीज़न था उसके पीछे गैप लेने का? अभी 5 महीने पता है इस वीडियो में क्यों लग गए? क्योंकि मैं कर रहा था एनिमेशन, पूरी एनिमेटेड वीडियो टाइप, एपिसोड टाइप बना रहा था मैं, ऐसा नहीं कि एक करेक्टर खाली खड़ा होके बोल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि मतलब मेरे को मालूम नहीं था कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पहली बार ट्राई कर रहा था मैं। मैंने
सोचा था कि 1 या 2 महीने में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर इसीलिए कमेंट में भी लोग पूछते थे तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था कि अगले इतनी तारीख को वीडियो आएगी, पर नहीं आई क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अभी वीडियो मेरे सामने पूरी एडिट की हुई है, पूरी रेडी है, बस वॉइस ओवर रह गया क्योंकि मेरे हो गई तबीयत खराब जिस दिन वॉइस ओवर करने लगा, मुझे बुखार और जुकाम दोनों हो गया, तो गला खराब है अभी भी थोड़ा है। अच्छा, मेरा भी है, मेरे भी 2-3 दिन से थोड़ा सा है। या एंड आपका क्या? तो इसीलिए डिले हो गई वीडियो की, अभी तो गला खराब है। एंड जो नॉर्मली भी आप 1-2 महीने का गैप रहते हो, वो बिकॉज ऑफ कोई एनिमेशन में टाइम लगता है या कोई रीज़न है जो गैप्स लेते हो आप नॉर्मली, उनके पीछे क्या रीज़न है? अभी ये एनिमेटेड वीडियोस के बीच में क्या, जो 3 लास्ट में एनिमेटेड वाली अपलोड की 3 या 2, तो उनमें गैप्स लेते हो ना, कि अगर 2-3 महीने का आपने गैप ले लिया एक वीडियो के बीच में, तो गैप्स क्यों लेते हो, क्या रीज़न है लाइक गैप्स लेने का वीडियो पे? हाँ वही, वो एनिमेशन में टाइम लग जाता है। और मेरा क्या सीन है, मैं स्किल्स के भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ ताकि वीडियो जल्दी आ सके, तो 6 घंटे मैं कम करता नहीं हूँ ड्राइंग प्रैक्टिस में, उसको मैं कम कर नहीं सकता, और फिर वो बाकी का काम बढ़ जाता है, एनिमेशन है तो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, 12-12 घंटे दिन में चाहिए, फिर उतना दे दिया नहीं जाता, तो 6 घंटे एनिमेटेड वीडियोस पे काम करता हूँ, 6 घंटे स्किल्स पे टाइम लग जाता तभी आप कॉलेज में हो या स्कूल में है। हो, आपको अगर कोई इसमें दिक्कत ना हो तो आप बोल सकते हो, बाकी कोई बात नहीं। कॉलेज में हो या स्कूल में अभी हो? मतलब स्कूल में हूँ नहीं, अगर होता तो फिर मैं शायद 11th क्लास में, हाँ 11th में होता, काइंड ड्रॉप आउट बोल सकते हो, पर मतलब मैंने स्कूल एक तरीके से छोड़ दिया पर पढ़ाई नहीं छोड़ी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। हमें मेनली लोग लाइक नहीं बताते। आप प्रीवियसली मेरे पॉडकास्ट देखोगे तो मैंने कुछ से पूछा है तो कुछ ने इतना ही कह दिया है कि मैं नहीं बता रहा, बाकी किसी को जो भी लगना है लगने दो। सो आपने बताया तो उसके लिए थैंक्स, मेरा थोड़ा सा वॉच टाइम आ जाएगा। सो आपका एनिमेशन का प्रोसेस क्या है, कि आपके वीडियो में जो भी आपको स्क्रिप्टिंग ऑडियो वो सब करना रहता है? क्योंकि मैं भी एक एनिमेटर था पहले, मेरा चैनल था यूट्यूब पे, तो मेरे को पता है कि इट टेक्स टाइम। तो आप पर्सनली क्या प्रोसेस यूज़ करते हो, कि आपके हिसाब से एनिमेशन कैसे होना चाहिए, एंड आप क्या करते हो, एनिमेशन का प्रोसेस बता दो अपना। जो पहली मैंने वीडियो अपलोड की थी ना एनिमेशन वाली, जिसके ऊपर शायद 3 महीने का ब्रेक हुआ, उसके ऊपर क्या सीन हुआ, मैंने 3 वीडियोस क्रिएट की थी एनिमेटेड, मैं स्टाइल ढूंढ रहा था अपने एनिमेशन का, तो 3 एनिमेटेड रिकॉर्ड बनाई मैंने एनिमेशन, 3 वाली वीडियोस तीनों की तीनों मैंने डिलीट कर दी, फिर जो 4वीं बनी वो मैंने फिर सोचा कि कर ही देता हूँ यूट्यूब पे अपलोड, वो 15 दिन का ही टाइम लगता है उस वीडियो में, लेकिन वो कई सारी वीडियोस को क्रिएट किया इसीलिए टाइम लग गया था। एंड एनिमेशन का अपन प्रोसेस मेरा बदलता रहा है, पर अभी जो इस जो वीडियो अपलोड होगी अभी, इसके ऊपर जो एनिमेशन का प्रोसेस रहा वो मेरा ऐसा रहा कि पहले स्क्रिप्ट तैयार कर लूँ, फिर स्टोरी बोर्ड को क्रिएट कर लूँ, और उसके बाद में फिर मैं रफ एनिमेशन स्टार्ट कर लूँ, फिर लाइन आर्ट और फिर कलर और फिर एडिटिंग लास्ट, और वॉइस ओवर मैं पहले करना चाहता था लेकिन फिर मैंने सोचा कि वॉइस ओवर मैं कर लूंगा लास्ट में, क्योंकि एनिमेशन में भी लास्ट में ही होता है वॉइस ओवर, तो मैं कर लूंगा इसलिए वॉइस ओवर अप किया नहीं, वो लास्ट में कर। सो आप स्क्रिप्ट लाइक जो आपने पूरा प्रोसेस बताया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंस आप कौन सी चीज़ को देना चाहोगे, स्क्रिप्टिंग, स्टोरी बोर्ड, एनिमेशन या एडिटिंग या वॉइस ओवर, जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके अकॉर्डिंग वीडियो में? मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, जो एनिमेशन भी और सब कुछ स्टोरी अच्छी क्रिएट बन जाएगी इससे, स्टोरी बोर्ड, स्टोरी बोर्ड से, क्योंकि स्टोरी भी एक्सप्रेस होती है और एनिमेशन को भी वही रास्ता दिखाता है कि कहाँ जाएगी एनिमेशन, स्टोरी बोर्ड अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके आसपास के फ्रेंड्स एंड फैमिली को आइडिया है कि आप यूट्यूब पे हो एंड आपके अबव 1 के सब्सक्राइबर हैं, किसी को भी आइडिया है ऐसा, या आपने बताया नहीं है किसी को भी आपका यूट्यूब पे चैनल है? ये भी बहुत मजेदार कहानी है कि मतलब मेरे पेरेंट्स को कैसे पता चला,
या बोल। मतलब मैं मम्मी से काफी ज्यादा क्लोज हूँ, ठीक है, तो उनको मालूम था कि मतलब मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। उनको मतलब वीडियोस दिखाई थी नहीं थी मैंने, कोई भी वीडियो नहीं दिखाई थी उन्हें, और मेरी एक बहन है उन्हें मालूम था, और दोस्त है नहीं मेरे, मैं बाहर जाता नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं जाता। हुआ क्या, मैं यूट्यूब पे वही यूट्यूब स्टूडियो खोल रखा था मैंने, पापा आए कमरे में, मैंने सोचा कि मतलब पापा रोज स्क्रीन देखते हैं, पापा को कुछ खास पता चलेगा नहीं, पर हुआ क्या, पापा 2-3 मिनट देखे और फिर पापा ने बोला यूट्यूब चैनल खोल लिया। तब थे मेरे 226 सब्सक्राइबर। एक मैं उसी वक्त, वो कुछ सेकंड्स थे ना, इतने में मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा था कि झूठ बोलूं, सच बोलूं, क्या बोलूं, बोल दूं किसी और का चैनल ऐसे ही कुछ भी है, पर फिर मेरे कि मेरा ही चैनल है। क्योंकि फिर होता क्या है, एक थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि अब पता है चैनल है, फिर ग्रो नहीं हुआ ना तो बार बार पूछेंगे कि क्या हुआ चैनल का, कुछ हो रहा है कि नहीं, तो पता चल गया। उसके बाद में फिर पापा ने पहले तो बोला कि हाँ बहुत अच्छी बात है, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या पापा बोलने लगे, कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने सब्सक्राइबर हो गए, अभी कल भी ये पूछा कि कितने सब्सक्राइबर हो गए। पापा को लगता है कि बहुत धीरे हो रहा है, पापा सोचते हैं कि मतलब लोगों के आराम से लाख लाख हो जाते हैं, इतना टाइम क्यों ले रहा है, नहीं होएगा शायद कुछ ऐसा। इट इज़ नॉट ईजी कि लाइक अब मैं क्या बोलूँ कि मेरे को एक्सपीरियंस है कि मैं भी यूट्यूब से फॉर 1.5 ईयर से हूँ। मैं भी यूट्यूब पे बहुत चैनल मैंने भी बनाए, कुछ में मैंने अपलोड किया वीडियो, कुछ में नहीं किया। सो मेरे भी पेरेंट्स ऐसे ही थे, बट वो बार बार मुझसे पूछते नहीं थे कि कितने सब्सक्राइबर हुए, कितने हुए। अगर कोई माइलस्टोन अचीव होता था तो मैं उनको खुद ही बता देता था कि मेरे 100 हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए। आज तक 300 से आगे मैं पहुंच नहीं पाया, बट मैं उनको बोलता था। तो उनका ऐसा कुछ खास रिएक्शन नहीं था। बट अगर मैं अपना स्टोरी बताऊँ तो, कि मुझे बाकी का नहीं पता, हाँ, बट मेरा तो ऐसा ही है। ये बात मम्मी अच्छे से समझते हैं, मम्मी को पता है कि मतलब हाँ टाइम लगता है, 1 सेकंड में थोड़ी कुछ भी होता है। पापा का क्या है, पापा को जल्दी चाहिए सब कुछ। मैं सोच रहा कि 2000 मतलब अभी जैसे 1900 सब्सक्राइबर है, एज अ नंबर देखो ना तो कुछ नहीं है, पर देखो ना लोगों ने क्लिक किया, लोगों ने सब्सक्राइब किया तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा नंबर है। पर मैंने सोचा था पापा को लगेगा बड़ा नंबर है, नहीं, पर पापा कुछ नहीं लगता, पापा को घंटा बड़ा लगता है, पापा को लगता है कि बहुत कम सब्सक्राइबर है। और फिर फील्ड फील्ड भी वैसे ही ली है, एनिमेशन आर्ट इतना नहीं है इंडिया में कि मतलब चैनल खोला ये तो कंफर्म है ग्रो होएगा, कि मिलियन में कोई नहीं गया, कीर्ति चौबे मैक्सिमम 7 लाख सब्सक्राइबर है शायद। वो कीर्ति तो पहुंच जाएगा ना, लग रहा है कि 7 लाख, उसके 7 लाख प्लस हो चुके हैं। सो आई गेस अभी 5-6 महीने में उसका भी 1 मिलियन हो ही जाएगा। मिलियन हो जाएगा। ओके, एंड आप एनिमेशन के लिए कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस यूज़ करते हो, एंड लोगों को क्या रिकमेंड करोगे आप फॉर एनिमेशन? एनिमेशन के लिए एक तो पुराने वाला पीसी था जो कि 2013 या 14 का था, 13 का था, ठीक है। वो पीसी में क्या था, मैंने कब तक यूज किया था उसको, जब तक मैंने अपना आर्ट वर्क वाली जो वीडियोस थी ना वो अपलोड की थी तब तक मैंने उसी को यूज किया था। लेकिन जब मैंने एनिमेशन शुरू की ना, तो उसके लिए मैंने पीसी चेंज कर लिया था। पीसी इसलिए चेंज किया क्योंकि वो रेजोल्यूशन बड़ाई पे करना पड़ रहा था, 4K पे एनिमेशन कर रहा हूँ तब जाके 1080p पे मैं अपलोड कर पाऊंगा उसको। तो एनिमेशन के लिए फिर मैंने लिया था पीसी i3 प्रोसेसर और वही 8 GB रैम, ग्राफिक कार्ड 1660 लिया क्योंकि सोचा था गेम खेलूंगा पर गेम मजा ही नहीं आता गेम में, मैं खेलता ही नहीं हूँ इसीलिए, तो ग्राफिक कार्ड एक यूजलेस चीज होगी मेरे लिए क्योंकि सॉफ्टवेयर में जरूरत नहीं थी, इससे अच्छा मैं i5 ले लेता। एंड और कोर ड्राइंग टेबलेट वाइकी का यूज करता हूँ, वाइकी A15, अभी अभी याद हुआ है मुझे इसका नाम, मेरे को कभी याद नहीं रहता इसका, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि वैकॉम का ले लेना, वैकॉम का जो आता है ना छोटे वाला, अच्छा वो मैंने यूज किया काफी लंबे टाइम, तो वो ज्यादा बेस्ट, वो ज्यादा अच्छा था, मैंने सोचा कि अच्छा होगा बड़ा होगा तो, पर नहीं कुछ खास नहीं, वर्थ इट नहीं है, मतलब 6000 रुपये इसके लिए नहीं जमता, इससे अच्छा वो 3000 का वो ले लो।
वैकॉम का छोटे वाला। ओके एंड कोई सॉफ्टवेयर जो आप रिकमेंड करो जो आप यूज़ करते हो ऑडियो के लिए या एनिमेशन या एडिटिंग के लिए? सॉफ्टवेयर एनिमेशन के लिए मैं यूज करता हूँ क्लिप स्टूडियो पेंट। मैं थोड़ा ऐसा ही ना इस बात से इरिटेट हो गया कि मतलब लोगों ने देख लिया ना कीर्ति जब आरजीबो किट लिस्ट ये हाँ यूज कर रही है, एडोब हर एडोब कोई एनिमेट ऑलमोस्ट हर सारे ही कर कोई रही हाँ है, सॉरी है कोई और है। किसी को मतलब भी सारे उठा पड़ देख लो। गए हाँ उसके। अब मेरे भी प्रीवियस पॉडकास्ट देखोगे उसमें भी एडोब एनिमेट एडोब एनिमेट एडोब एनिमेट सबका मतलब पता नहीं क्या हाँ लोगों को है कि वो यूज़ करेंगे तो हमारा भी कीर्ति रसा चैनल ग्रो हो जाएगा आरजी वाला एनिमेशन बनेगा या क्या। ओके डिपेंड करता है ना स्टाइल क्या एनिमेशन का, वो एंड उतना ज्यादा एनिमे जैसा नहीं लगेगा उसमें, वो क्योंकि बना उसके लिए नहीं है ना। क्लिप ओके स्टूडियो पेंट भी पूरा वो ऐसा है हैंड ड्रॉन एनिमेशन जैसा है, थोड़ा हार्ड है उसको उसके अंदर एनिमेट करना, पर अच्छा लगता है, दिखता है वो अच्छा लगता है। एंड एडिटिंग के लिए क्या यूज़ करते हो ये सॉफ्टवेयर? एडिटिंग के लिए मैं पहले शॉर्टकट नाम का है ना वीडियो एडिटिंग वाला ऐप सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करता था। जबरदस्ती मैंने डाउनलोड किया प्रीमियम प्रो, जबरदस्ती का ही, जरूरत नहीं थी। मैंने पर मेरे मन में रह रहा था कि शायद एडिटिंग अच्छी होगी, शायद होगी, पर ना कोई काम का नहीं है प्रीमियम प्रो मेरे क्योंकि ना एनिमेशन में कुछ नहीं है। अब आफ्टर इफेक्ट जरूरी है, आफ्टर इफेक्ट तो काम का है, पर प्रीमियम प्रो मतलब सबको कॉम्बाइन करने के लिए जरूरी नहीं है, इसको लो कोई भी ले सकते हो एंड अपने आफ्टर एनीमे इफेक्ट, है या बोलो बोलो आफ्टर इफेक्ट कंपोजिंग के लिए सही है, एंड आप लाइटिंग बैकग्राउंड सबको कंबाइन करने के लिए। एंड आपने एनिमेशन एडिटिंग ये सब यूट्यूब से ही सीखा होगा तो कौन से चैनल्स आपने देखे थे ताकि आप सीख सको ये सब? तो कोई चैनल देख नहीं, पर जो एनिमेशन के लिए मैंने ज्यादा देखा है और ड्राइंग के लिए भी, वो मॉडर्न डे जेम्स नाम का एक चैनल है जो कि मतलब सच में एक ड्राइंग सिखाते हैं। मतलब ज्यादातर चैनल देखोगे ना बस वो कॉपी करवाना सिखा रहे कि कैसे कॉपी करेंगे, कॉपी नहीं करना, ओन इमेजिनेशन से ड्रॉ करना। सो आपको ड्राइंग वगैरह में बचपन से इंटरेस्ट था या फिर आपने इंटरेस्ट लिया क्योंकि आपको एनिमेशन करना था? क्योंकि मैंने देखा है कि अगर एनिमेशन करना है तो आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए या तो आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। तो क्या आपको इंटरेस्ट है पहले से बचपन से या नहीं था इंटरेस्ट ड्राइंग में? मेरा अजीब ही बचपन गुजरा, पता है हुआ क्या, जब मैं 9 साल तक का था ना तब तक मेरे को वो मार्शल आर्ट का बड़ा था, कुंफू का क्रेज था। फिर जब 10 का हुआ तो वो मतलब ड्राइंग बीच बीच में आती जाती रहती थी, एक एक 2 दिन की, फिर महीने का गैप, फिर महीने की, फिर 3 4 महीने का गैप, ऐसे करके किया ड्राइंग, सीरियसली नहीं ली कभी। फिर जब 10 साल का हुआ तो सोचा कि मतलब पता चला 3D एनिमेशन के बारे में, तो सोचा कि हाँ यही करना है। फिर मैंने पूरे 2 साल लगा के 3D एनिमेशन सीख ली, 12 साल का हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी मुझे, मुझे लग रहा था नहीं मुझे नहीं करना। फिर 12 साल का हो गया, उसके बाद फिर मैंने देखा 2D एनिमेशन, फिर मैंने सोचा कि हाँ ये करनी, पर फिर मैंने पूरी 2D एनिमेशन सीख ली, 3 4 महीने लगे थे, फिर मैंने छोड़ दी एनिमेशन। मैंने सोचा एनिमेशन ही नहीं करना, 2D या 3D एनिमेशन नहीं करनी। फिर जब मैं 13 साल का हुआ तब मैंने ड्राइंग करनी शुरू की सीरियसली, मतलब हाँ ड्राइंग सीखनी हो। लेकिन फिर भी उसमें भी गैप रहता था बीच बीच में, क्योंकि गेम की लत लग गई थी मुझे फोर्टनाइट की, तो गैप आता रहता था बीच में। फिर जब मैं 14 का हुआ फिर यूट्यूब चैनल खोल लिया, तो एनिमे ड्राइंग करनी पड़ थी तो मैं ड्राइंग करता था लगभग हर दिन। लेकिन जब मैं 15 का हुआ ना, मेरी एज पता चल रही है लेकिन जब मैं 15 हुआ ना तो मैंने सोचा कि अब सीरियसली मतलब मजाक नहीं करते क्योंकि बड़ा हो गया हूँ, तो सीरियसली ड्राइंग करते हैं। तो फिक्स कर लिया कि हर दिन 6 घंटे से कम प्रैक्टिस करनी नहीं, काम दिन में 8 घंटे से कम करना, और अभी 1 साल से ज्यादा हो गया है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली।
आप बचपन से एकेडमिक्स में अच्छे थे या फिर आपको यही करना था, कुछ अलग ही करना था आपको? लाइक कुछ होता है ना कि हम लाइक हम पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो हम कुछ और करेंगे, तो ऐसा कुछ आपका था? एकेडमिक्स में पता मैं कैसा था, जैसे कि होता है ना, मतलब 0 से लेकर 100 के बीच में, 100 टॉप पे, 0 सबसे कम, मैं था 90 माइनस में। मैं 0 से भी बहुत बेकार, मतलब लोग बच्चे सोचते हैं ना कि कैसे करके 30 आ जाए 40 आ जाए ना, मैं सोचता मतलब 40 50 मार्क्स आ जाए पास हो जाए, मैं सोचता था मेरे 23 आ जाए, मेरे 30 आ जाए, मुश्किल से 30 कभी नहीं है, मैं शायद मुश्किल से 23 आते थे, बहुत ज्यादा बेकार था मैं। और शुरुआत से ये बिल्कुल मन नहीं था कि जॉब करनी है, ये जॉब का बिल्कुल नहीं था, ये तो था शुरुआत से कि मतलब कुछ करना है जो कि अकेले मेरे को छोड़ के औरों के लिए भी फायदा करे। एंड जब का कंटेंट है तो अब लाइक बहुत अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स है यूट्यूब पे, सो वो अपना कंटेंट को अपने हिसाब से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं। वैसे आप क्या अपनाते हो कि मेरा कंटेंट लोगों को एंगेजिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे? तो कोई टिप आप अपनाते हो या कोई ट्रिक आप अपनाते हो तो वो बता दो ऑडियंस को जो भी देख रही है यार, अभी पॉडकास्ट को सुन रही है। मैं एंगेजिंग बनाने की पहले मैं कोशिश नहीं करता था, पहले मैं सोचता था कि जिनको सीखना है ना वो सीखेंगे, वीडियो चाहे बोरिंग लगे या ना लगे, मैं सिर्फ काम की बात करूंगा। पर हुआ क्या, मतलब ऐसा नहीं होता, अगले को अगर अच्छा नहीं लग रहा ना वो क्यों देखेगा, फिर चाहे कितनी नॉलेज हो, अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने क्या शुरू सोचा कि जितने भी ज्यादा कम छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं और लेकिन पूरी काम की बनाओ, जो देखे उसको लगे वर्थ इट था देखना, एक भी जगह ऐसा नहीं लगा कि टाइम पास हो रहा है, जैसे कुछ होता है ना, मतलब जोक्स का एक तो ये बड़ा रहता है कि अगर तुम इंटेंशनली जोक मार रहे हो ना, फिर अगर किसी को हंसी नहीं आई तो बहुत बुरी इमेज बन जाती है, वो एक बोरिंग फॉर्म ले लेता, लेकिन अगर अनइंटेंशनली जोक मार रहे हो फिर अगर किसी को हंसी आ जाए तो ठीक, अगर किसी को नहीं आई तो भी उसको ये नहीं लगेगा कि ये जोक्स बेकार मारता है, तो वीडियो बोरिंग नहीं लगती उसका। एंड आपके वीडियो कोई का या बोला बोलो कोई बात एंगेजिंग बनाने के लिए बस ये करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो फालतू की चीजें वो वीडियो से हटाता, जब काम काम की जो बची रहेगी फिर वीडियो खुद ब खुद एंगेजिंग बन जाती है मेरे ख्याल से। ओके सो या कि आपके अभी फ्यूचर प्लान क्या है, कि आप कोई सेकंड चैनल खोलोगे लाइक कोई गेमिंग चैनल? की हर एक का सेकंड चैनल गेमिंग चैनल होता है, सो ऐसा कोई आपका प्लान है कि कोई सेकंड चैनल खोलना है को वो बता दो, कि कब का कोई भी फ्यूचर प्लान है अबाउट कोलैबिंग या ऐसा कुछ भी है तो बता दो क्या प्लान्स है आपके? फ्यूचर प्लान मेरा सेकंड चैनल खोलने का था जिसके ऊपर मैं लाइव स्ट्रीम कर सकूं, जिस ताकि लोगों को पता रहे कि काम कितना पहुंच गया वीडियो तक का, लेकिन गेमिंग का बिल्कुल नहीं था क्योंकि मेरा शौक शुरुआत से पहले था गेमिंग का, लेकिन अब नहीं। सेकंड चैनल खोलने का मेरा था कि मैं वीडियो अपलोड कर लूं लाइव स्ट्रीम, जिसमें मैं अपना प्रोसेस दिखा सकूं, प्रोसेस भी लोगों को समझ आ जाएगा मैं कैसे वीडियो बनाता हूं, और पता भी चल जाएगा कि वीडियो कितनी कंप्लीट हो गई है और कितने दिन में आएगी, आइडिया लग जाएगा और थोड़ी बात भी हो जाएगी, कनेक्ट ज्यादा कर पाऊंगा लोगों से। पर गेमिंग का नहीं रहा क्योंकि गेमिंग मेरे को अब टाइम पास लगने लगी है, क्योंकि कोई सेंस नहीं है उसका, वैसे मुझे लगता है वो कैसे भी करके तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, इसीलिए गेमिंग तो नहीं है। एंड इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी में आपका फेवरेट कौन सा क्रिएटर है? कि कोई क्रिएटर होता है, कोई एक दो क्रिएटर जो आपके फेवरेट हो अबाउट लाइक फॉर एनिमेशन फॉर स्क्रिप्टिंग, तो ऐसे कौन से क्रिएटर थे आपको पसंद है एंड इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी से? इंडियन एनिमेशन में अगर स्किल्स में देखें तो आरजी बकेट लिस्ट काफी अच्छे हैं स्किल्स में, और क्रिएटिविटी में देखें तो कीर्ति शाह, नॉट योर टाइप काफी अच्छी स्क्रिप्ट है उसकी, मतलब उनकी अच्छी स्क्रिप्ट है। पर पता है मुझे क्या लगता है,
धीरे धीरे उनके वीडियोस का गैप बढ़ रहा है, और कमेंट सेक्शन में जो लोग हैं ना, मतलब वो थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि टाइम ज्यादा लग रहा है वीडियो में, जबकि वो 1 महीने में 2 डाल रहे हैं। पर पहले क्या सीन कर दिया, 1 महीने में 4 डाल दिया, तो लोगों को आदत पड़ गई थी 4 की, 1 महीने में वीडियो 4 देखने की, लेकिन अब 2 आ रही है तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आरजे बकेटले फिर स्क्रिप्ट पे क्रिटिसाइज करते हैं, अब कीर्ति चाव को उनके एनिमेशन पे और उनके जो नया कंटेंट डेवलप किया उस पे कर रहे हैं। क्योंकि लाइक लोगों को समझना चाहिए कि जो नॉट योर टाइप है तो वो कॉलेज में है, सो ऑब्वियसली हाँ उसके लिए डिफिकल्ट हो रहता है कि वो कॉलेज और यूट्यूब को एक साथ मैनेज करे। सो अब ये मेरा ओपिनियन है, तो जो देख रहा है और ऐसा कमेंट करता है नॉट योर टाइप को तो ऑफेंड मत होना, मैं कह रहा हूँ तो ये। सो लास्ट क्वेश्चन कि इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, उसके फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो आप, तो वो एक्सप्लेन कर दो। इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी पे मेरा यही ओपिनियन है कि ग्रो तो होगी, 10 बिलियन% ग्रो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। कंटेंट अच्छे आने की बात रही जहाँ तक, तो मुझे पता है क्या लगता है कि जो लोग अभी एनिमेशन इतनी बुरी नहीं है इंडियन एनिमेशन की, बस बात यह है कि वो बड़े लोगों के लिए कंटेंट नहीं बना रहे। अगर उन्हें ऑडियंस लगेगी तो बनाएंगे, प्रॉफिट किसको नहीं चाहिए, अगर लगेगा कि प्रॉफिट मिलेगा तो वो बनाएंगे, जो कि एनिमेशन कम्युनिटी एनिमे कम्युनिटी ग्रो हो रही है, उन्हें लोग आ रहे हैं जो इन्हें एनिमेशन देखनी है, 2D एनिमेशन, तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आएगी, टीवी पे भी आने लग जाएंगे शोज, नए स्टूडियोज भी बन जाएंगे, तो ग्रो होगी काफी। मेरे ख्याल से 5 साल में ये काफी ग्रो हो जाएगी, अपने पूरे पीक पे आ जाएगी 5 साल मैक्सिमम। सो लाइक सबका यही ओपिनियन होता है। सो अभी हमारा पॉडकास्ट 27 मिनट्स तक पहुँच चुका है, सो लेट्स रैप इट अप एंड आई लेट्स रैप अप दिस पॉडकास्ट एंड आई होप जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे थे उनको मज़ा आया एंड वी बोथ एंजॉयड अलॉट। या और बस जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि पॉडकास्ट क्रिएटर को सब्सक्राइब कर लो, काफी अच्छा है थैंक्स अ क्रिएटर्स लॉट, के लिए, या थैंक्स अ एनिमेशन लॉट। कम्युनिटी इससे और ग्रो हो पाएगी, एक जगह जहाँ पर एनिमेटर्स भी अपना ओपिनियन रख सकें और पॉडकास्ट उनके लिए भी काफी मजेदार है। एंड मैं इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसका चेकआउट कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। सो प्लीज़ उनको अभी सपोर्ट करना और उनको सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना एफर्ट वो दे रहे हैं उसके हिसाब से वो काफ़ी अंडररेटेड है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे है। सो प्लीज़ उनको भी अपना सपोर्ट दिखाना। सो ओके बाय बाय, और मिलते हैं हम लोग एक अगले पॉडकास्ट में।